तो फाइनली आज हम बनाने वाले हैं टिप कैलकुलेटर। ये जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल है, इसलिए हमने इसमें स्टाइलिंग को ऐड नहीं किया, सारा फोकस किया जावास्क्रिप्ट के ऊपर। तो बहुत ही आसानी से बन जाता है ये टिप कैलकुलेटर। मैं पहले डेमो दिखा देता हूँ, उसके बाद हम इसको बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, जैसी पेज लोड होता है तो आपके पास एक अलर्ट बॉक्स शो होता है, पॉपअप शो होता है, जिसमें आता है इंटर टिप परसेंटेज। तो यहाँ पर सॉरी, मैंने एक बार ना ऐसे किया, मैं दोबारा से करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा आपके पास इंटर बिल अमाउंट। जैसे आप बिल अमाउंट सर्च करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 560, पहले मैं छोटा करके दिखाता हूँ आपको, $56 जो है वो मेरा बिल बना है। मैं ओके पर क्लिक करूंगा। अब आप टिप कितने परसेंट देना चाहते हैं अपने बिल में से? मैं 10% टिप देना चाहता हूँ। सही है, ओके पर क्लिक किया। बिल पेमेंट मेरी है $56, टिप परसेंटेज है $10। अब 56 में से अगर मैं 10% दूंगा तो टोटल टिप क्या होगी और टोटल बिल क्या होगा वो मुझे कैलकुलेट पर क्लिक करने पे पता चल जाएगा। $5.6 जो है वो मेरी टिप बनेगी। मतलब मैं अगर किसी रेस्टोरेंट पर खाना खा रहा हूँ, मैं और मेरा फ्रेंड किसी रेस्टोरेंट पर खाना खा रहे हैं, हमारा बिल बना $56, हमने उसमें से परसेंटेज मतलब टिप दे दी 10%, जितना बिल है उसमें से 10% हमने टिप दे दी, टोटल टिप बनी $5.6 और टोटल बिल बना $61.6। सही है, ये है हमारा छोटा सा टिप कैलकुलेटर। अब इसको बिल्ड कैसे करना है तो वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, एक फोल्डर बना लिया है, इसको मैं CMD में कोड में ओपन कर लूंगा, CMD लिखूंगा, यहाँ पर कोड लिखूंगा और यहाँ पर इसको मैं अपने VS कोड विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर इस फोल्डर को ओपन कर लूंगा। जैसे ही ओपन करूंगा उसके बाद यहाँ पर दो फाइल्स बनाऊंगा, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आप लोग के लिए, index.html और एक और फाइल बनाऊंगा app.js, क्योंकि हम इतना जो है स्टाइलिंग पे फोकस नहीं कर रहे हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया है, क्योंकि ये एक जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल है, स्टाइलिंग तो आप बाद में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ index.html में और यहाँ पर जो है एक टाइटल दे देता हूँ, टिप कैलकुलेटर, और उसके बाद यहाँ पर अपनी जो जावास्क्रिप्ट फाइल है उसको मैं लिंक कर लेता हूँ app.js को। ओके, यहां तक हो गया। उसके बाद यहां पर अब मुझे एक कंटेनर बनाना पड़ेगा, आप कंटेनर के बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन एक ये मैनेज्ड वे है कि आप कंटेनर में सब चीजों को डालें। अब यहां पर क्या है, सबसे पहले लेबल है, फिर इनपुट है, फिर लेबल है, फिर इनपुट है, फिर लेबल है, फिर इनपुट है, चार लेबल हैं और चार इनपुट हैं। तो मुझे चार लेबल बनाने पड़ेंगे और चार इनपुट बनाने पड़ेंगे। तो लेबल, और इसके अंदर सबसे पहले क्या है, बिल पेमेंट, तो यहाँ पर बिल पेमेंट लिख देता हूँ और यहाँ पर भी बिल पेमेंट, बिल पेमेंट। उसके बाद एक ब्रेक का टैग लगेगा, उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर एक इनपुट ले लेता हूँ, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, सॉरी टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट है, और यहाँ पर अभी के लिए इतना ही। उसके बाद एक और ब्रेक को ऐड कर लेता हूँ और जल्दी से ये सारा काम मैं चार बार इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। चार बार डुप्लीकेट हो गया, उसके बाद हमारे पास आ रही टिप की परसेंटेज, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टिप, जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ परसेंटेज। उसके बाद यहाँ पर भी टिप परसेंटेज, टिप परसेंटेज। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ, उसके बाद आ जाता है टोटल टिप, यहाँ पर टोटल टिप लिख लेता हूँ, टोटल टिप, यहाँ पर भी टोटल टिप लिख लेता हूँ, टोटल टिप। और नीचे अब यहाँ पर टोटल बिल का ऑप्शन है, सही है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टोटल बिल, और यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी टोटल बिल लिख देता हूँ। सही है, और यहाँ पर मैं एक बटन भी बना लेता हूँ, जिसके क्लिक करने पर मैं जो है
अपने जो ये मेरा है उसकी परसेंटेज निकालूंगा, यहाँ पर कैलकुलेट पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक नहीं करता, अभी बना लेता हूँ, अभी क्लिक करेंगे तब हम देखेंगे। तो अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, index.html फाइल को। तो यहाँ पर हमारा जो है UI तो बन गया, UI तो सेम है, देख सकते हैं UI हमारा बन चुका है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करूं तो सबसे पहले दो प्रॉम्प्ट बॉक्स हमारे पास चलेंगे, इंटर बिल अमाउंट और इंटर टिप परसेंटेज। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली आकर दो प्रॉम्प्ट को जो है वो चला देना है, वेरिएबल इंटर, यहाँ पर इंटर बिल अमाउंट, सही है, इंटर बिल अमाउंट इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट में क्या आएगा, यहां पर भी लिखा होगा इंटर बिल अमाउंट, दैट्स इट। उसके बाद अब यहां पर अगर मैं बिल अमाउंट को जो है वो लिख देता हूं, उसके बाद इंटर टिप परसेंटेज, तो यहां पर मुझे एक और प्रॉम्प्ट चलाना पड़ेगा और इसके अंदर लिखना पड़ेगा इंटर टिप परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, और यहां पर भी लिख देता हूं इंटर टिप परसेंटेज, दैट्स इट। अब अगर मैं यहां पर मैं अगर स्ट्रिंग पास कर देता हूं तो वो तो स्ट्रिंग को भी लिख देगा, इसके अंदर स्ट्रिंग को भी इंट्रोड्यूस कर देगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि इसके अंदर हमेशा नंबर ही आए। तो आप तीन काम कर सकते हैं, एक तो पार्स इंट के अंदर इस पूरे प्रॉम्प्ट को कवर कर सकते हैं, या फिर नंबर का जो मेथड होता है उसके अंदर इस पूरे प्रॉम्प्ट को कवर कर सकते हैं, या एक बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप यहाँ पर सिंपल प्लस लगा दें। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर हमेशा प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर नंबर ही आएगा, अगर नंबर नहीं आया तो आप कर देना NaN, मतलब नॉट अ नंबर, डेट सेट, ये हमने इसको कह दिया। ये हमारे पास अब दो प्रॉम्प्ट चलेंगे, सही है। अब मुझे टारगेट किसको करना है, बिल अमाउंट, बिल पेमेंट को, टिप परसेंटेज को, सही है। तो यहां पर मैं यहां पर लिख देता हूं बिल पेमेंट, ऐसे लिख देता हूं, उसके बाद यहां पर आईडी दे देता हूं, अच्छा सॉरी ये मुझे इनपुट पे लगाना है ना कि मुझे यहां पर लगाना है, क्योंकि इनपुट की वैल्यू को टारगेट करना है, तो यहां पर भी दे देता हूं आईडी, यहां से कट करके यहां पर इनपुट के अंदर, और यहां पर जो है टिप परसेंट, यहां पर अभी इन दोनों को टारगेट करना है, यहां पर लिख देता हूं वेरिएबल बिल पेमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके बाद यहां पर ये पेस्ट कर दिया, उसके बाद एक और वेरिएबल बनाऊंगा और इसके अंदर जो है टिप परसेंटेज आएगी, वेरिएबल टिप परसेंटेज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके बाद यहाँ पर भी जो है इस तरह से आ जाएगा, और ये यहाँ पर जो है मिस्टेक हो चुकी है, इसको इसके अंदर डाल देते हैं कोर्स के अंदर, डेट्स इट। अब मैं चाहूंगा कि जो भी इसके अंदर वैल्यू आई है, बिल अमाउंट की जो वैल्यू है वो इंटर हो जाए बिल पेमेंट के अंदर, क्योंकि जो भी हम प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर लिख रहे हैं वो इसके अंदर आ रही है ना, जो यहाँ पर लिख रहे हैं, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि जो भी वैल्यू इंटर बिल अमाउंट के अंदर आई है वो आ जाए बिल पेमेंट के अंदर, और इंटर टिप परसेंटेज के अंदर जो आई है वो आ जाए टिप परसेंटेज के अंदर। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इंटर बिल अमाउंट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू बिल पेमेंट, सही है, बिल पेमेंट, और अच्छा सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पर इंटर बिल अमाउंट की तो वैल्यू तो नहीं है ना, वो तो ऐसी इसमें वैल्यू आ रही है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बिल पेमेंट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू यहाँ पर इंटर बिल अमाउंट, ऐसे करना पड़ेगा इंटर बिल अमाउंट, उसके बाद यहाँ पर टिप परसेंटेज डॉट वैल्यू इज इक्वल टू इंटर टिप परसेंटेज, इंटर टिप परसेंटेज, देखता हूँ क्या ये काम भी कर रहा है या फिर मैं ऐसी बोली जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर ये हमारा पुराना है और ये नया है, यहाँ ये नया है, यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आ रहा है इंटर बिल अमाउंट, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल
मैं कुछ भी लिख देता हूँ, $20 मेरा बिल बना। उसके बाद यहाँ पर इंटर टिप परसेंटेज आएगी, तो यहाँ पर मैं 2% टिप देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आ गया 20 और 2, बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब आप बोल रहे हो डॉलर क्यों नहीं आ रहा, वो भी अभी आएगा, अभी हमने उसका उसको लिखा नहीं है, लॉजिक नहीं लिखा डॉलर का, तो वो भी हम लेकर आएंगे। तो अब यहाँ पर इतना हो गया, सही है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसके साथ डॉलर भी आए, तो यहाँ पर आपने ES6 एक्मा स्क्रिप्ट 2015 के अंदर पढ़ा होगा कि हम अगर करना हो तो यूं भी कर सकते हैं। वैसे तो हम यूं इस तरीके से भी कर सकते हैं कि डॉलर लगाया उसके बाद प्लस करके ये भी कर दिया, और यहाँ पर भी डॉलर लगाया प्लस करके ये भी कर दिया, ऐसा भी तरीका है। लेकिन हम यहाँ पर यूज करेंगे बैक टिक का, मतलब उसके अंदर हम जो है वो जो वेरिएबल है उसका भी यूज कर सकते हैं, और साथ में जो है हम जो जो भी टेक्स्ट हमें लिखना हो वो भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैक टिक लगाया और यहाँ पर डॉलर प्लस डॉलर, और यहाँ पर इस तरीके से बंद कर दिया। यहाँ पर भी यही काम कर दूंगा, यहाँ पर जल्दी से बैक टिक लगा दूंगा, उसके बाद यहाँ पर $1 अलग से आएगा और $1 इस वेरिएबल के लिए आएगा, और यहाँ पर मैं इसको भी जो है इसमें बंद कर दूंगा, फाइल को कर दूंगा सेव। अब देखूंगा यहाँ पर रिफ्रेश करके यहाँ पर आ रहा है, मैं यहाँ पर लिखूंगा 56, यहाँ पर मैं 3 लिखूंगा और यहाँ पर आ गया डॉलर भी। तो यहाँ पर मैं नहीं चाहता कि स्पेस आए, तो यहाँ पर मैं इसको स्पेस को भी हटा देता हूँ, वो हमारा अब सही हो जाएगा। चलें आगे के लॉजिक को लिखते हैं, जो मेन काम है, क्योंकि परसेंटेज निकालना सबसे मेन है। तो अब मेन काम के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन कैलकुलेट कैलकुलेट परसेंटेज, परसेंट यहाँ पर परसेंट लिख देता हूँ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर अब क्या करूंगा, यहाँ पर जो है सबसे पहले बटन को टारगेट करना है, सही है, ऑन क्लिक के ऊपर। वैसे तो आप एड इवेंट लिस्टर का भी यूज कर सकते थे, चले हम एड इवेंट लिस्टर का ही यूज कर लेते हैं। आईडी यहाँ पर लिख देता हूँ, आईडी इज इक्वल टू BTN, यहाँ पर BTN लिख देता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर वेरिएबल BTN इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर BTN आ गया, सही है। अब BTN डॉट एड इवेंट लिस्नर, जैसे BTN के ऊपर क्लिक होगा तो आपने क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जो है सिंपल इस फंक्शन को जो है रन कर देना है, दैट्स इट। अब इस फंक्शन के ऊपर जो भी काम करेंगे वो हमारा इस बटन के क्लिक पर परफॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें अगर, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है ये दोनों चीजें, दोनों इनपुट जो है वो डिसेबल्ड है, आखिरी वाली टोटल टिप भी और टोटल बिल भी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चाहूंगा इनको मैं HTML में ही डिसेबल्ड कर दूं, तो यहाँ पर डिसेबल्ड अगर मैं लगा देता हूँ इस तरीके से, यहाँ पर भी लगा दूं, सॉरी यहाँ पर तो आना नहीं है, मैं बार बार लेबल में पता नहीं क्यों लगाई जा रहा हूँ, तो यहाँ पर इधर लगा दूं अगर, और इधर भी लगा दूं, तो आई थिंक मेरे ये डिसेबल्ड हो जाएंगी। यहाँ पर अगर मैं देखूँ इधर आकर रिफ्रेश करूँ तो कुछ भी अभी मैं डाल देता हूँ ऐसी, अब मैं कुछ भी ऐसे ही कर रहा हूँ, ये देखें डिसेबल्ड हो चुकी हैं। अब मैं क्या चाहूंगा, जैसे ही मैं कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करूँ, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं एक बार दोबारा करके दिखा दूँ, कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करने से मैं क्या चाहूंगा कि ये जो है इनेबल्ड हो जाए दोबारा से, तो मुझे इनको भी अब टारगेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, आईडी लूंगा, आईडी लूंगा, ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पर मैं लूंगा आईडी, आईडी टोटल बिल, और यहां पर नीचे आईडी क्या लूंगा, यहां पर ऊपर आईडी क्या लूंगा, यहां पर तो आ गया टोटल बिल, और यहां पर आएगा टोटल टिप, यहां पर आईडी, यहां पर आएगा टोटल टिप। अब मुझे इसको टारगेट करना पड़ेगा, वेरिएबल में टारगेट कर लूंगा जल्दी से, यहां पर आऊंगा, यहां पर लिखूंगा वेरिएबल टोटल टिप, अच्छा स्पेस देनी है थोड़ी सी, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर टोटल टिप को टारगेट कर लिया, इसी तरह मैं जो है उसको भी टारगेट कर लूंगा टोटल बिल को, तो यहाँ पर वेरिएबल टोटल बिल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर इसको भी जो है वो मैंने टारगेट कर लिया।
दोनों चीजों को टारगेट कर लिया। अब मैं क्या चाहूंगा, मेरी जो टिप की परसेंटेज है, अब वो अच्छा सबसे पहले तो इनको मुझे इनेबल करना है ना, तो टोटल टिप डॉट डिसेबल्ड। अब आप बोलोगे इनेबल करना है तो डिसेबल क्यों कर रहे हो, तो डिसेबल्ड इसलिए कर रहा हूँ, डिसेबल नहीं कर रहा बल्कि मैं इसको फॉल्स कर दूंगा, वो अभी ट्रू है ना, डिसेबल्ड है ना, तो अब फॉल्स हो जाएगी मतलब इनेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर इसी तरह मैं दोबारा से डुप्लीकेट करूंगा और टोटल टिप की जगह टोटल बिल को जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दूंगा। अब देखूंगा, चेक करूंगा यहाँ पर आकर मैं कि ये चल भी रहा है सही या नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं 45 करूँ और यहाँ पर मैं 5 करूँ और यहाँ पर देखूँ और कैलकुलेट पर क्लिक करूँ, तो ये दोनों इनेबल्ड हो चुकी हैं। सही है, इतना काम हो गया। अब मैं चाहूंगा कि टोटल टिप के अंदर जो है वो वैल्यू क्या आएगी, जैसे इस पर क्लिक हो कैलकुलेट पर, तो मेरी जो परसेंटेज निकालनी है मुझे, सही है, वेरिएबल मैं टिप परसेंट लिखूंगा, टिप पी लिखूंगा, क्योंकि अगर हमने आई थिंक पहले भी इस नाम से वेरिएबल बनाया है। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं, टिप पी लिखूंगा यहाँ पर इज इक्वल टू, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो यहाँ पर मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, तो मेरे पास टोटल टिप आ जाएगी। तो यहाँ पर टोटल टिप की जो वैल्यू है, टोटल टिप मल्टीप्लाई बाय टोटल बिल डिवाइडेड बाय 100। अगर मैं इस तरीके से करता हूँ तो मेरे पास जो है वो परसेंटेज निकल आएगी। सही है, और मुझे किसकी वैल्यू में जो इसको इंट्रोड्यूस करना है, अब मुझे टोटल टिप की वैल्यू में इंट्रोड्यूस करना है ना, तो क्योंकि हमारी टोटल टिप बनेगी, तो यहाँ पर टोटल टिप डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टिप पी लिख दूंगा। यहाँ पर इस तरह से करूंगा अगर मैं, तो मेरे पास जो है वो परसेंटेज निकल आएगी। यहाँ पर मैं एक सेमी कॉलम लगा देता हूँ, अभी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, 45 यहाँ पर 3 लिख देता हूँ और कैलकुलेट पर क्लिक करता हूँ, तो नॉट अ नंबर। अच्छा, अब यहाँ पर नंबर नंबर रिटर्न नहीं कर रहा, तो यहाँ पर मुझे ये स्ट्रिंग में रिटर्न कर रहा है क्योंकि, तो अब मुझे इसको जो है वो नंबर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, नंबर, और यहाँ पर उसके अंदर डाल दूंगा, तो अब मेरा काम जो है वो हो जाएगा। यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर मैं 45 लिखूँ और यहाँ पर 4 लिख देता हूँ और कैलकुलेट पर क्लिक करता हूँ, तो टोटल टिप जो है वो अभी भी नॉट अ नंबर दिखाई दे रही है। तो मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है वो क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं अच्छा गाइस, तो यहाँ पर क्या मसला आ रहा है, मुझे ना कि इसकी वैल्यू को क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसके अंदर तो अभी कोई वैल्यू रखी हुई नहीं है। हमने क्या करना था, हमें इनकी वैल्यू को जो है वो मल्टीप्लाई करना था और डिवाइडेड बाय 100 करना था, क्योंकि उसके अंदर तो अभी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो उसको हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए वो बोल रहा था नॉट अ नंबर। भाई इसके अंदर तो कोई नंबर ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पर देखता हूँ 45 4 कैलकुलेट पर क्लिक करूंगा, तो 1.8 डॉलर जो है वो मेरी परसेंटेज निकल रही है। यहाँ पर मैं इसको जो है बैकटिक में लगाऊंगा और यहाँ पर डॉलर लगा दूंगा, डॉलर और एक और डॉलर, एक और डॉलर, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पर इसको क्लोज कर दूंगा। ये हमारा जो है वो निकल आई टिप परसेंटेज। अब टोटल बिल की वैल्यू क्या होगी, टोटल बिल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास आएगा टोटल बिल जितना भी बना होगा, इंटर बिल अमाउंट में जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पर, प्लस यहाँ पर टिप में जो भी आ रहा है, टिप की जो भी परसेंटेज निकल रही है वो वैल्यू हमारी मिला के जो है वो टोटल बिल बन जाएगी, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पर मैं इस तरह से कर देता हूँ, यहाँ पर जो है यहाँ पर मैं एक जो है डॉलर लगा दूंगा, यहाँ पर डॉलर लगाऊंगा और कर्ली ब्रैकेट लगा दूंगा, और मेरे पास जो है वो परसेंटेज निकल आएगी, और यहाँ पर मैं एक और डॉलर लगा दूंगा ताकि जो है मेरे पास डॉलर्स में जो है वो आंसर आ जाए। यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पर 34 लिखूंगा, यहाँ पर 342 लिख दिया, कोई बात नहीं, 45 लिख देता हूँ, कैलकुलेट पर क्लिक करता हूँ, तो 153.9 डॉलर मेरी टिप बनी, 495 डॉलर मेरा टोटल बिल बना। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दें, ताकि आपके लिए ऐसे ही प्रोजेक्ट्स लाता रहूं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।
टेक केयर।